दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती इस्तीफा नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जब तक जांच का नतीजा नहीं आ जाता तब तक सोमनाथ अपने पद पर बने रहेंगे। हालांकि पार्टी ने उन्हें संयम से बोलने की सलाह दी है, लेकिन बीजेपी ने सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर आज दिल्ली में 14 जगह धरने करने का आयोजन किया है। न तो कोई भ्रष्टाचार है, न कोई बेजा काम है, न इसमें कोई अन्याय है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में सोमनाथ जी की तारीफ की जानी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी आने का इंतजार किया जाए। आम आदमी पार्टी ने तो साफ कर दिया है कि पार्टी सोमनाथ से इस्तीफा नहीं लेगी। इतना सब विवाद हुआ और पार्टी ने कानून मंत्री को सिर्फ संयम से बोलने की सलाह देकर मामला खत्म करने की कोशिश की है। पार्टी ने सोमनाथ भारती जी को हिदायत दी है कि वो आगे से अपनी भाषा में संयम का व्यवहार करें। श्री अरुण जेटली और श्री हरीश सालवे के विरुद्ध सोमनाथ जी ने जिस शब्दों का प्रयोग किया, पार्टी उसके लिए खेद व्यक्त करती है। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस मामले को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं हैं। सोमनाथ भारती के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी आज दिल्ली की 14 अलग अलग जगहों पर धरना देगी। धरने की अगुवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल और हर्षवर्धन सरीखे नेता करेंगे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल पूरे सिस्टम पर आरोप गंभीर लगाते हैं, लेकिन अपने मंत्री को बचा रहे हैं। इससे पहले कल कांग्रेस ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। आपकी सरकार को समर्थन दे रहे शोएब इकबाल ने भी सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई ना करने पर समर्थन वापसी की धमकी दी है। उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की बात की, उसके ऊपर उनको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, किंतु आज आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब ये कहते हैं सब लोग चोर हैं, सारी पुलिस चोर है, सारी एंटी करप्शन ब्रांच चोर है, सारा सिस्टम चोर है, सिर्फ वो ही ईमानदार हैं। कानून सबके लिए बराबर है और कानून के तहत जो भी कार्रवाई मंत्री जी के खिलाफ या और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ बनती है उसको दिल्ली पुलिस को तुरंत करना चाहिए। हटा देते हैं तो बहुत अच्छा है और नहीं तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है समर्थन पे। आम आदमी पार्टी ने भले ही अभी सोमनाथ भारती पर कार्रवाई ना करने का फैसला किया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में ज्यादातर सदस्य सोमनाथ को हटाने के पक्ष में थे, लेकिन केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उन्हें बचा लिया। भास्कर मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, इंडिया TV, दिल्ली।